नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में अब हर 3 वर्ष पर विभागों के अध्यक्ष बदलेंगे। विवि प्रशासन ने इसकी अधिसूचना जारी की है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह अधिसूचना जारी की गई है। बिहार यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में अभी शिक्षक रिटायर होने तक विभागों में अध्यक्ष बने रहते हैं। विवि के इस नियम को लेकर आरएन कॉलेज हाजीपुर के प्रोफेसर विजय कुमार ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। 269 जिलों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए फोर्टिफाइड यानी पोषक तत्वों के समृद्ध किया गया चावल वितरित किया जा रहा है। देश के बाकी जिलों को मार्च 2024 की समय सीमा से पहले इस दायरे में लिया जाएगा। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की तरफ से यह जानकारी दी गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी, गोरखपुर से सांसद रवि किशन और आजमगढ़ से सांसद निरहुआ के बाद भोजपुरी फिल्म के पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े से दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों से संबंधित नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें अकेले रेलवे विभाग की 50,000 रिक्तियां खत्म की जाएंगे। साल के अंत तक 10 लाख नौकरियां का वादा कर चुकी सरकार अब तक 1.46 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट चुकी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में 152 उद्योग लगाने का विभिन्न कंपनियों से प्रस्ताव आया है, परंतु केंद्र सरकार ने मात्र 17 उद्योग लगाने की स्वीकृति दी है। उन्होंने पूर्व उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन से कहा कि वे केंद्र सरकार से बात कर शेष प्रस्तावों की स्वीकृति दिलाएं ताकि बिहार जल्दी इथेनॉल में आत्मनिर्भर बन जाएगा। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर चीन सीमाओं पर शांति की अपील की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि चीन के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए सीमाई क्षेत्रों में शांति बहुत जरूरी है। पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल 2020 से चीन के साथ संबंध खराब है। विदेश मंत्रालय का यह बयान एससीओ रक्षा और विदेश मंत्रियों की मीटिंग से पहले आया। उम्मीद है कि यहां चीन के रक्षा और विदेश मंत्री मीटिंग में पहुंचेंगे। अरिंदम बागची चीनी डिप्लोमेट के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि भारत चीन सीमा पर हालात स्थित हैं। नेहा सिंह राठौर का यूपी में काबा सीजन 2 के बाद अब बिहार में काबा सीजन 2 सोशल मीडिया पर धूम मचाने लगा है। नेहा सिंह राठौर ने यह गाना बुधवार की रात करीब 9 बजे अपने ट्विटर हैंडल से सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, लेकिन रात भर में ही इस गाने पर 155,000 से भी अधिक व्यूज मिल गए हैं। इस गाने में नेहा सिंह राठौर ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर बड़ा हमला किया है। अपने इस गाने में नेहा सिंह राठौर ने तेजस्वी यादव को 10 लाख नौकरियों का वादा याद दिलाया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट अब अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए देश का 7वां हाईकोर्ट बनेगा। हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए नियम बना दिए हैं। इन नियमों को न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग नियम 2023 के नाम से जाना जाएगा। ये नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएंगे। इससे पहले गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी गई है। बिहार में जातिगत गणना का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। इसी बीच इसको लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने गुरुवार को जारी बयान में कहा है कि बिहार में जातिगत जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के फलस्वरूप जो एकता, राष्ट्रीयता और सामाजिक समरसता की लहर देश में प्रवाहित हो रही है, उसने जातिवाद ताकतों को जड़ से विचलित कर दिया है। नागालैंड को बिजनेस 20 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रतिनिधियों से विभिन्न क्षेत्रों में 4,510 करोड़ रुपए के व्यावसायिक हित प्राप्त हुए। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार गुरुवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई है। कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात की। थरूर ने उनके निवास स्थान खरड़ से पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने यहां पंजाब के मौजूदा राजनीतिक माहौल पर चर्चा की। वहीं चन्नी ने अपने पीएचडी के थीसिस के बारे में भी उन्हें बताया। थीसिस का विषय भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। थरूर ने इस मुलाकात की फोटो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पहले से ही बेबी पाउडर से कैंसर होने के आरोप में अमेरिका में हजारों रुपए का जुर्माना चुका रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत के बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाउडर बनाने का परमिशन तो दे दिया है, लेकिन इसे इंडियन मार्केट में बेचने पर रोक लगा दी है। जॉनसन एंड जॉनसन का एक सरकारी प्रयोगशाला जो कोलकाता में स्थापित है, उसमें जाकर जब जांच की गई तो पाउडर की पीएच वैल्यू से ज्यादा मिली थी। इस पर महाराष्ट्र सरकार ने कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया था। खालिस्तान समर्थक अमृत पाल सिंह 20 दिन से फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। इन सबके बीच पिछले दिनों उसने सिख समुदाय के लोगों का समर्थन जुटाने के लिए
अपना एक वीडियो जारी किया था। इसमें उसने सरबत खालसा बुलाने की भी मांग की थी। उसके इस मांग पर अकाल तख्त, DJMCG दल खालसा और कई अन्य संगठनों ने अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने सरबत खालसा आयोजित करने की अमृतपाल की मांग का समर्थन नहीं किया है। दुनिया भर में कैंसर के मामले बढ़ रहे और जीवन शैली के कारक इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2020 में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 में से एक भारतीय को अपने जीवन काल में कैंसर हो जाएगा और 15 में से एक में से इसकी मृत्यु हो जाएगी। भारत में कैंसर में तेजी से वृद्धि, अधिक वजन, तंबाकू और शराब के सेवन, गतिविहीन जीवन शैली और व्यायाम की कमी जैसे कारकों से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की नींव रखेंगे। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 820 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसकी योजना इस तरह से बनाई जा रही है कि इसे विश्व स्तरीय सुविधा और सुंदर तरीके से डिजाइन किए गए स्टेशन में बदला जा सके। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा उन्नयन परियोजना है जिससे अनगिनत लोगों का लाभ होगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का इंतजार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पूरा हो जाएगा। इस बीच खबर है कि राम मंदिर में पाकिस्तान, चीन, ईरान, अरब देशों, अमेरिका समेत 155 देशों की नदियों से जल लाकर अर्पित किया जाएगा। 23 अप्रैल को होने वाले इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ योग गुरु रामदेव भी शामिल होंगे। खालिस्तानी समर्थक अमृत पाल सिंह के सहयोगी अभी असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है। उनकी रिहाई की मांग को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट ईमान सिंह खारा की तरफ से याचिका दायर की गई है। इस पर कोर्ट के जस्टिस ने एडवोकेट खारा को फटकार लगाते हुए कहा है कि ऐसे मामले की सुनवाई क्यों की जाए जिसमें आरोपियों पर पहले ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर उन्हें असम जेल में बंद किया गया हो। जल्दी दिल्ली से देहरादून पहुंचना आसान होने वाला है। दरअसल दिल्ली देहरादून एक्सेस कंट्रोल ग्रैनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इसके बनने से दिल्ली से देहरादून यात्रा का समय 6 घंटे से घटकर महज 2 से 2.5 घंटे हो जाएगा। इस कॉरिडोर से वर्तमान की 235 किलोमीटर की दूरी घटकर 212 किलोमीटर हो जाएगी। नितिन गडकरी ने कहा है कि इसके बनने से समय और ईंधन की बचत होगी, साथ ही साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था तथा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। भारतीय नौसेना के युद्ध पोतों में लगे एंटी सबमरीन रॉकेट RBU 6000 के एक्सटेंडेड वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। टेस्टिंग DRDO ने किया है। पहले इस रॉकेट की रेंज 5 किलोमीटर थी जो बढ़कर दोगुनी हो गई है। ये ऐसे रॉकेट है जो दुश्मन की पनडुब्बियों के समंदर में दफना सकता है। परीक्षण भारत के जंगी जहाज INS चेन्नई पर किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में ऑनलाइन गेमिंग को कंट्रोल करने वाले कानूनों में बड़ा बदलाव किया है। भारत सरकार की तरफ से जारी नए नियमों के अनुसार SROs यह तय करेंगे कि किसी पर्टिकुलर ऑनलाइन गेम को देश में चलने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। सरकार ने देश में ऑनलाइन बेटिंग और सट्टेबाजी पर भी बैन लगा दिया है। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई गेम नियमों को फॉलो नहीं करता है तो उसे भारत में बैन कर दिया जाएगा। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए ये नियम पेश किए हैं। DRDO ने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट के अप्रूवल के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास डिजाइन भेजा है। इस कमेटी का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। इस फाइटर जेट का नाम एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसका पहला प्रोटोटाइप साल 2026 तक सामने आ जाएगा। वाराणसी में G20 सम्मेलन की पहली बैठक में कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सहित कृषि उत्पादों के उत्पादन बढ़ाने को लेकर 32 देशों के 80 कृषि वैज्ञानिक मंथन करेंगे। इसमें भारत के भी करीब 80 वैज्ञानिक अपने विचार रखेंगे। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर तुषार कांति बेहरा ने बताया है कि 17 से 19 अप्रैल तक सम्मेलन की पहली बैठक कृषि पर आधारित होगी। हाल ही में बेमौसम बारिश ने जिस तरह से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया ऐसे में इसके बचाव की तकनीक के विकास को लेकर चर्चा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिनिया जॉर्जिवा ने कहा है कि इस साल विश्व अर्थव्यवस्था के 3% से कम दर पर बढ़ने की उम्मीद है। यही नहीं 2023 के वैश्विक आर्थिक विकास में भारत और चीन का आधा हिस्सा रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही IMF की प्रबंधक निदेशक क्रिस्टालिना ने चेतावनी भी दी है कि कोरोना महामारी के प्रकोप और यूक्रेन पर रूस के सैन्य आक्रमण की वजह से पिछले साल विश्व अर्थव्यवस्था में आई तीव्र मंदी इस साल भी जारी रहेगी। चीन ने 2 भारतीय पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। दोनों पत्रकारों के वीजा को फ्रीज कर दिया गया, उनका वीजा नहीं बढ़ाया गया है। दोनों पत्रकार छुट्टी पर भारत आए थे, जब वापस जाने लगे तो चीन के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रसार भारती के प्रतिनिधि अंशुमन मिश्रा और दक्षिण भारत के प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र के पत्रकार को मंगलवार को सूचित किया कि उनके वीजा फ्रीज हैं, वे चीन वापस नहीं आ सकते। गर्मी की मांगों को पूरा करने के लिए डेयरी सहकारी समितियों की मदद करने के लिए भारत फैट और पाउडर जैसे डेयरी उत्पादों का जरूर तत्पन्ने पर आयात कर सकता है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की ओर से गुरुवार शाम जारी एक विज्ञप्ति में यह बात कही गई है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि आयात की जरूरत होने पर
सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इसे केवल अपनी एजेंसी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से भेजा जाए और उचित मूल्यांकन के बाद जरूरतमंदों को बाजार मूल्य पर स्टॉक दिया जाएगा। सऊदी अरब और रूस समेत दुनिया के अन्य सभी ओपेक प्लस देशों ने रविवार को अचानक से तेल उत्पादन में लगभग 16 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती करने की घोषणा की है। ओपेक के इस फैसले के तहत रूस 5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन में कटौती करेगा। ओपेक प्लस देशों के इस अप्रत्याशित कदम पर विश्लेषकों का कहना है कि इससे तेल की कीमत में वृद्धि होगी। वहीं अमेरिका ने ओपेक प्लस के इस कदम को अनुचित बताया है। दुनिया में पहली बार 2.5 और फेफड़ों के कैंसर के बीच संबंध पता चला, जिसके अनुसार कभी धूम्रपान न करने वालों के फेफड़ों में कैंसर के म्यूटेशन पाए गए हैं। अमेरिका, यूरोप, ताइवान, कोरिया और भारत सहित अलग अलग देशों में वायु प्रदूषण और लोगों के स्वास्थ्य को लेकर यह अध्ययन हुआ है। भारतीय रेलवे ट्रेनों को समयबद्ध तरीके से साथ तेज गति से चलाने की दिशा में निरंतर प्रयास करता है। इसके लिए रेलवे ट्रैक और सिग्नल सिस्टम में तकनीकी बदलाव के साथ साथ अन्य तमाम तरह के विकास कार्य भी किए जाते हैं। इसी क्रम में उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल अंतर्गत रसोईया और बंथरा रेलवे स्टेशन पर रेल विकास से जुड़े कार्य के मद्देनजर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए एक और सफलता मिली है। इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के L110 चरण के लिए ह्यूमन रेटेड विकास इंजन के परीक्षण अभियान का सफल समापन कर लिया है। कोरोना वायरस ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। यदि बात भारत की करें तो पिछले 6 महीनों में शुक्रवार को बड़ी उछाल दर्ज की गई है। दिल्ली और केरल में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में एक शख्स की मौत की पुष्टि कोरोना से हुई है। इन सबके बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया ने चीन पर भड़ास निकाली और कहा है कि उनके लिए नैतिक तौर पर अनिवार्य है कि वो कोरोना वायरस के ओरिजिन के बारे में बताएं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अजित, नुन्नू, गोलू कुमार, रविशंकर, बाबूलाल मरांडी, एमडी साकिर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, नौसाद रजा, अंशु प्रिया, अनवर करीम खान और संजय चौधरी। बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, प्रदूषण को रोकने के लिए आप अपने स्तर से क्या कदम उठा सकते हैं। आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।